देश भर में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रवासी राजस्थानी अब अपने घर आना चाहते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों पर प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की कवायद चल रही है। सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और जिला स्तर पर इसकी सूची भी तैयार की जा रही है। वहीं सीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टर्स के साथ जानकारी ले रहे हैं। पूरी प्रक्रिया को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन शुरू करवाने की मांग की थी, जिसे भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। राज्य के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, हमने जो पोर्टल डेवलप किया था और एक नंबर दिया था जिसपे राजस्थान आने वाले लोग अपने आने की सूचना दर्ज कर सकते हैं, उसपे जो सूचना हमको कल रात तक मिली थी वो लगभग 10 लाख लोग हैं जो राजस्थान आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए राजस्थान वापसी के लिए प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया था कि इनको हम बसों से नहीं ला सकते, कहीं 2,500 किलोमीटर की दूरी है, कहीं 1,500 किलोमीटर की दूरी है, कहीं 2,000 किलोमीटर की दूरी है, तो वो लाना मुश्किल होगा। तो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन आप ट्रेन चलाइए, उन ट्रेन के माध्यम से इनको लेके आएंगे। तो वो व्यवस्था भारत सरकार ने अनुमति दे दी है, वो उसको वर्कआउट कर रहे हैं रेलवे के जनरल मैनेजर मुख्य सचिव बात करके। जैसे ही ये ट्रेन की व्यवस्था हो जाएगी तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जहाँ सर्वाधिक लोग आना चाहते हैं उनके जगह जिले चिन्हित कर लिए गए हैं, कौन से जिले में कहां से कितने लोग आ सकते हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर्स को कहा गया है कि इनको आवश्यक रूप से, क्योंकि ये संक्रमित प्रदेशों से हमारे राज्य में आ रहे हैं, तो जिन चीजों की सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल बिना लक्षण के भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं।